हेलो गाइस, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। वेलकम फॉर यू माय यूट्यूब चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स, ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आज आया हूँ एक ऐसी जगह पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जो है तो रोड साइड पर, लेकिन यहाँ पर रोड पे ही एनिमल्स यानी मंकीज, बंदर और लंगूरों का बसेरा है, रैन बसेरा, जो रात को रहते हैं इस पहाड़ी के नीचे जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक भी करने के लिए आते हैं, कभी कभी आता हूँ मैं इस तरफ को, और मैंने आज इनको शूट कर लिया अपने कैमरे से। ये देखिए, ये जो हैं ये लंगूर हैं, बड़े बंदर जिनको कहते हैं, हमारी भाषा में पहाड़ में इनको गुणी कहते हैं। ये देखो चहलकदमी कर रहे हैं, इधर से उधर छलांगें लगा रहे हैं। ये जान रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ये तो नहीं जान रहे होंगे, लेकिन ये जान रहे नीचे मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये मस्ती कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। ये देखिए, इधर से उधर, उधर से इधर, ये रोड है, ये पानी का पाइप है, ये लंगूर जी ने यहाँ से छलांग लगाई। ये हमारे गांव से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर है। ये लंगूर जी भाग रहे हैं, ये देखो चहलकदमी कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और उसके बाद एक हिसाब से, क्योंकि ये बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन मैं इसकी भाषा समझ सकता हूँ, क्योंकि इनके बिल्कुल पास मैं खड़ा हूँ। ये मुझसे डर नहीं रहे, मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारे गांव से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर है। इस जगह का नाम टेंटोड़ा का गधेरा है, हमारे गाँव का नाम धामदेव है, धामदेव से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर ही है, मीटर की, किलोमीटर नहीं, मीटर। तो मॉर्निंग वॉक के लिए मैं आज इस तरफ को आया हूँ, तो मैंने इनको साथ में ये भी शूट कर लिया। मन में आया कि आपको ये शूट करके यूट्यूब पर डाल के दिखा दूँ, क्योंकि ऐसे में एक्चुअल में बहुत कम मिलते हैं ऐसे, ज़्यादातर ऐसे जानवर जानवर पेट जो भी समझो आप, वो जंगलों में मिलते हैं। लेकिन आजकल जैसा आप सुनते होंगे, ये देखो ऊपर जो है ये चहलकदमी कर रहे हैं, पेड़ के ऊपर बैठा है, ये लंगूर जी हैं बड़े वाले, और ये मुझे चिढ़ा रहे हैं या फिर मेरे साथ खेल रहे हैं। ये देखो जिसको मैं उंगली लगा रहा हूँ, खेल रहे हैं या फिर चिढ़ा रहे हैं, मतलब दो बातों में से कुछ एक बात है, लेकिन माहौल दोस्ताना है। ये यहाँ से उछल कूद करके जा रहे हैं, मैं यहीं पे हूँ इनके पास ही, और ये वीडियो बना रहा हूँ। इन लोगों को ये समझ में तो ये तो नहीं आ रही होगी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ इनके साथ, इनके इनके व्यवहार से, उससे जो पता लग रहा है, ये एकदम फ्रेंडली लग रहे हैं मुझे वीडियो में देख के। आप लोग भी कमेंट करना, ये फ्रेंडली लग रहे हैं या क्या लग रहे हैं, या पर पता नहीं मेरी समझ कमज़ोर हो तो आप लोग बताना। ये बिल्कुल एक ऐसा, अगर मैं दिन भर यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो एक डिस्कवरी चैनल को तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ही नहीं है, यहाँ पे वो रेड मंकीज भी रहते हैं, जिनको हमारे यहाँ बांदर बोलते हैं, बांदर बोले तो बंदर मंकी, ये गुणी, इनको लंगूर कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, ये आप लोग भी जानते होंगे, जो जो भाई नहीं जानते तो उनको हिंदी में इनको लंगूर कहते हैं। और ये देखिए, ये लंगूर जी जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ उंगली से, ये या तो मुझे चिढ़ा रहे हैं या मुझसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं या फिर मेरे साथ मस्ती करना चाह रहे हैं। ये बिजली के पोल हैं, ठीक यहीं पे लगे हुए हैं, यहाँ पे दूसरे लंगूर जी यहाँ पे चढ़े, और ये यहाँ से नीचे से ऊपर को चहलकदमी कर रहे हैं। ये रोड है,
नीचे ये पानी का पाइप जा रहा है, ये खोला खांड के लिए जा रहा है ये पाइप, खोला खांड, ये प्राइवेट पाइपलाइन है ये विक्रम नेगी और लक्ष्मण नेगी की, ये इनमें से आए लंगूर जी। ये आपको बताता चलूँ मैं कि एक बार 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 ये लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, मतलब इसका मतलब फ्रेंडली है कुछ। अब मैं आ गया उनको छोड़ के आगे को, ये मैंने सामने आपको जो दिखाया अभी व्यूज़, ये बिल्कुल उनके नीचे का है, रोड साइड का है, जहाँ ऊपर वो लोग रहते हैं वो बड़ी टफ सी थोड़ी सी पहाड़ी है, इतनी बड़ी पहाड़ी नहीं है लेकिन हल्की सी है। सामने जो दिख रहा है आपको वो रोड है, वही रोड जिस पर मैं चल रहा था, ये गाड़ी आ रही है आपको दिख रही होगी, ये सुबह सुबह की बात है। और ये जो मैंने आपको अभी दृश्य दिखाया, ये टैटूडे के गधेरे का है, ये बांस के ब्रिक्स हैं, ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बांस के ब्रिक्स हैं, और ये बहुत ही सुंदर और अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। साथ साथ में जो आपको ये पीली सी लाइट दिख रही है, पीली सी लाइट, जो पीलापन जो आपको वीडियो में दिख रहा है, वो सूर्योदय का भी शुरुआत होने लग गई, सूर्योदय की। ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया, वो सामने ये जो है ये सूर्योदय का है, जो लालिमा सी छाई पड़ी है, ये सूर्योदय हो रहा है, अभी धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। मैं अभी चल रहा हूँ आगे अपने सड़क पे, इसी तरह से अपने मोबाइल से, वो सॉरी अपने उससे कैमरे से कवरेज करता जा रहा हूँ। और ये जो सूर्योदय का एक बेहद खूबसूरत दृश्य आपको दिखने लग गया, ये जो लाल लाल से दिख रहे हैं पेड़ पौधे, अभी ये सब हरे हैं क्योंकि सूर्य की पहली किरण जब इन पर पड़ती। सामने जो दिख रहा है वो टेटुड़ा गांव है और मैं यहाँ पे खोला खान में पहुँच गया हूँ, अपने गांव के पास पहुँच गया हूँ। मैंने रिवर्स कैमरा उस तरफ को किया अभी। ये जो आपको देखा सूर्योदय का एक बेहद ही खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, ये सूर्य भगवान जी का प्रवेश हो चुका है, ये देखो सूर्यदेव आ चुके हैं, आपको दिख रहे हैं सूर्यदेव, ये देखो सूर्यदेव जी प्रकट हो चुके हैं हमारे गांव में। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्योंकि विपरीत दिशा में जो लाइट पड़ रही है उससे थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, आगे अंधेरा आ रहा है, लेकिन जब ये मैं सामने की पहाड़ी आपको दिखाऊंगा तो ये बेहद खूबसूरत दिखेगा। ये देखो मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बेहद खूबसूरत दृश्य आपके सामने आ रहा है, ये टेटोड़ा गाँव का दृश्य, सूर्य की पहली किरण यहाँ पड़ चुकी है, ये देखिए, ये देखिए। और ये सूर्य भगवान जी ने पूरी तरह से प्रवेश कर लिया, आप देख रहे हैं कि पूरे खिल गए हैं, वो सामने में दिखा रहा हूँ। उसके जो पीछे मैंने पर्वत दिखाया आपको, जहाँ मैंने उंगली की थी, वो लामड़ेगाड़ है, धाराखरक इसको बोलते हैं, ये भी चमोली में पड़ता है, उत्तराखंड चमोली में, हमारा गांव भी है यहाँ पे। और ये मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ सूर्योदय की पहली किरण, बहुत खूबसूरत है ये, यहाँ पे नज़ारा भी अलग किस्म का होता है और सुबह कलर भी अलग सा बदल जाता है अपने आप ही, जब सूर्योदय की पहली किरण आती है तो ऑटोमेटिकली कलर बदल जाता है। ये सूर्य भगवान जी के पूरी तरह से प्रवेश हो चुके हैं पृथ्वी में। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये नौगांव और भटीधार का दृश्य है, भटीधार भी हमारे ही गांव के पार से है, ये रोड पे ही मकाने दुकानें हैं, ये पॉली हाउस है दिनेश पंडित जी का, ये उनका घर है दिनेश पंडित जी का, ठीक ठाक घर बनाया। और ये सीधे में रोड से चलते हुए, ये रोड के दोनों साइडों में आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरफ से, ये सामने जो मैंने आपको अभी उंगली से इशारा करके दिखाया था, और ये कोट है धामदेव, धामदेव के सिर में दो BSNL और एयरटेल के टावर लगे हैं वहाँ पे, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये धामदेव का दूसरा हिस्सा है हमारे गांव का, इसका नाम है पलीवाकली, ये मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये हमारे गाँव की वो है सारी खेती है, ये खेती जो मैं पहले आपको कभी नहीं दिखा पाया दूसरी तरफ से,
ये मैंने आज इस साइड से आपको दिखाई है। ये खेती गेहूं लगभग लगभग तैयार हो चुके हैं, बस अब कटान होगी। सामने जो आपको दिख रहा है ये व्यूज़, ये सारा धामदेव है, मेरा गांव, हमारा गांव। और ये जो मैंने आपको अभी उंगली से दिखाया, ये हमारे गांव का दूसरा छोर है। यहाँ पे आवासीय ग्रह कम है, ये लक्ष्मण नेगी की दुकान है, वहीं खोला खंड में ये उनकी गाड़ियाँ हैं। ये रावत टेंट की गाड़ी है, रावत टेंट हमारा ही बंद है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये हमारे ही गांव के लोग हैं जिन्होंने प्लान करने के बजाय गांव की खेती में ही अपना मकान बना लिया है। और ये सामने जो आपको सुंदर सा दृश्य दिख रहा है वो टेंटोड़ा गांव में आपको, ये स्कूल के बच्चे सामने सारे मुझे नमस्ते कर रहे हैं, ये उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जा रहे हैं। बच्चे स्कूल भी हमारे गांव में ही है, धामदे में। ये मैंने आपको स्कूल दिखाया अभी सामने, जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा सामने, वहाँ पे स्कूल दिखाया। और ये यहाँ से ये लोग, ये बच्चे, इनके पेरेंट्स इनको स्कूल तक छोड़ के आएंगे। ये कुंवर नेगी का मकान है, इन लोगों ने जिनने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी अपनी उंगली से, तो इन लोगों ने, ये ठीक ठाक पैसे वाले हैं, इन लोगों ने घर बनाना पसंद नहीं किया, इन लोगों ने प्लान नहीं किया अपना, ये राजा और ये यहां से हमारे खेत सारे दिख रहे हैं, ये भी ठीक ठाक पैसे वाले हैं, ये उस तरफ के खेत हैं, इन लोगों ने यहीं पे बीच खेतों के बीच में अपना मकान तैयार कर लिया। ये कुंवर लोगों ने प्लान नहीं करना चाहते हैं, ठीक ठाक पैसे वाले ने प्लान नहीं किया, जानते हैं पहाड़ की क्या कीमत है। ये राजा नेगी है, इनका बड़ा भाई प्रदीप डी नेगी आर्मी में रहता है, राजा नेगी। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया एक डिस्कवरी चैनल की तर्ज पर, आपको दिखाया मैंने जैसे कैसे लंगूर गधेरे में चहलकदमी कर रहे थे। ये सुबह सुबह की बातें हैं जब मैं मॉर्निंग वॉक पर था, तो उसके बाद मैंने आपको सूर्योदय का दृश्य दिखाया, फिर मैंने आपको गांव की सारी खेती दिखाई, गांव का वो एरिया दिखाया जो मैं आज तक आपको पहले उस साइड से नहीं दिखा पाता था, आज मैंने दिखाया। दोस्तों आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, बेल आइकन दबाना, ऑल का बटन दबा देना। धन्यवाद।